Good morning, dear students. Hope you are fit, fine and healthy, beta. Today I will tell you something about this first screen. See, beta, on the screen you can see these one where it is written computer, network, recycle bin, Google. Beta, these are the shortcuts. शॉर्टकट्स के आगे बच्चों आपको कैसे पता चलेगा, देखो ये छोटा सा एरो का साइन लगा हुआ है। शॉर्टकट्स किस लिए नीड होती है बच्चे, हम किस लिए बनाते हैं? सपोज आपको गूगल क्रोम की नीड बार बार पड़ती है, तो अगेन एंड अगेन नो नीड टू गो इन द ऑन द स्टार्ट बटन देन फाइंड गूगल क्रोम एंड डो, वी कैन मेक हेयर शॉर्टकट आउटसाइड द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पर हम ऐसे शॉर्टकट बना सकते हैं, और उसे कैसे पता चलेगा कि ये शॉर्टकट है? यहाँ पर देखो छोटा सा एरो का साइन आया हुआ है, इट इज़ टेलिंग दैट इट इज़ शॉर्टकट, राइट? एंड दिस से आई हैव मेड द शॉर्टकट ऑफ पेंट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट। दिस से आई कैन मेक शॉर्टकट ऑफ ऑल दोज फाइल्स विच आई वॉन्ट। सो बेटा जी, एज यू नो दैट देर इज़ वन ऑप्शन दैट इज रिसाइकिल बिन। बेटा रिसाइकिल बिन क्या होता है? सपोज यू डिलीटेड समथिंग फ्रॉम योर कंप्यूटर, बाई मिस्टेक आपसे डिलीट हो गया, सो यू वॉन्ट टू रिकवर। तो डिलीट होने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो डाटा है वो सारा का सारा किस में जाएगा? रिसाइकिल बिन में जाएगा। तो अगर आप मान लो आपने कुछ गलती से डिलीट कर दिया, तो वहाँ से आप वापस अपनी फाइल को रिस्टोर कर सकते हैं। देखो कैसे रिस्टोर करेंगे, आई विल डबल क्लिक ऑन दिस वन। सपोज आई हैव बाय मिस्टेक दिस फाइल डिलीटेड स्कूल नेम से, ओके? सो हाउ विल आई गेट इट बैक? आई विल राइट क्लिक ऑन स्कूल एंड देन रिस्टोर। रिस्टोर करने से बच्चे की फाइल जहाँ से आई थी डिलीट होकर वापस वहाँ पर चली जाएगी, ओके? नेक्स्ट बेटा नीचे देखो, सबसे नीचे आप जहाँ पर हम स्टार्ट का बटन देखते हैं, दिस वन स्टार्ट ई, ये देखो क्लियर का ऑप्शन है, ये जूम का है, क्रोमियम का है। सो बेटा जी, दिस आर द ऑल्सो शॉर्टकट्स आई हैव मेड ऑन द टास्क बार। टास्क बार पर कुछ एक ऑप्शन मेरे को रैंडमली यूज़ करने पड़ते हैं, तो मैंने यहाँ उनको पिन कर दिया है। तो बेटा जो ये पट्टी है ना ब्लू कलर की, इसको हम बोलते हैं टास्क बार। और इसके राइट साइड में भी कुछ आइकन्स मिलेंगे, आप कुछ भी ऐड कर सकते हो यहाँ पर, जैसे कि ये वॉल्यूम का बटन है, ये नेटवर्क का है, एंड यहाँ पर देखो ये बैटरी शो कर रहा है, एंड इट इज़ शोइंग द टाइम कि टाइम कितना है और डेट कितनी है, राइट? सपोज़ यहाँ पर आपका टाइम रोंग है और डेट रोंग है, यू वॉन्ट टू चेंज द डेट एंड टाइम, आई विल टीच दैट वन ऑल्सो। बट फर्स्ट टूडे आई विल टेल यू सम ऑप्शन हाउ टू डू इट पिन। तो पिन कैसे करना है, जैसे मैंने ये बाहर किया हुआ है, जूम को पिन किया हुआ है, क्रोमियम को पिन किया हुआ, ऐसे मैं क्लिक करूँगी, आई विल क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन पे मैंने क्लिक किया, सी आई हैव ऑप्शंस। सपोज आई वॉन्ट टू यूज़ नोट पैड अगेन एंड अगेन, तो मुझे बार बार अंदर ओपन ना करना पड़े, व्हाट विल आई डू? आई विल क्लिक ऑन नोट पैड, देन राइट क्लिक ऑन नोट पैड एंड आई विल क्लिक हेयर पिन टू टास्क बार, राइट? पिन टू टास्क बार। नाउ आउटसाइड क्लिक सी बेटा, यहाँ पर पहले देखो ये नोट पैड का ऑप्शन नहीं था ना, आई हैव शोन यू द ऑप्शन हेयर, दिस वन इज वॉज नोट हेयर नोट पैड। सो दिस वे आप यहाँ पर पिन कर सकते हो। आप यहाँ से रिमूव करना चाहते हो, यू विल राइट क्लिक ऑन दिस वन एंड यू विल डू अनपिन। अनपिन करने से वो फाइल आपके स्टार्ट मेन्यू के अंदर वापस चली जाएगी, राइट? सो दिस वे यू कैन पिन और अनपिन योर टास्क बार। नेक्स्ट वन इज बेटा, सपोज यू हैव ओपन टू थ्री एप्लीकेशंस, लाइक आई हैव ओपन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, आई मिनिमाइज इट, राइट? देन आई हैव ओपनड गूगल क्रोम, वेट फॉर अ सेकेंड, इट्स टेकिंग टाइम, आई हैव मिनिमाइज इट ऑल्सो। Then I want to listen some music. I open the video player. Then I minimize it. बेटा as you know that in one time computer can do many tasks. Computer बहुत सारे tasks कर सकता है. So on the task bar you can see there are three windows open. जो एक file open होती है ना, जैसे हम Microsoft PowerPoint on करते हैं, this is called window. तो three windows are open. Like Microsoft Media Player, right?
माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट राइट एंड गूगल क्रोम. सो दीज थ्री फाइल्स आर ओपन बट आई वॉन्ट टू वर्क समटाइम्स आई हैव टू वर्क ऑन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट सो आई विल क्लिक ऑन पावर पॉइंट देन इन बिटवीन आई नीड गूगल एड सम पिक्चर्स सो आई विल क्लिक ऑन गूगल सो गूगल विल ओपन देन आई विल अगेन क्लिक ऑन दिस वन इट विल मिनिमाइज अगेन क्लिक ऑन पावर पॉइंट इट विल मिनिमाइज. सो बेटा दिस वे आप एक टाइम में कितनी भी विंडोज ओपन कर सकते हैं और इकट्ठा वर्क. आप मुझे प्लेयर पे कुछ वर्क करना है आई विल क्लिक ऑन प्लेयर इसको मिनिमाइज करना है आई विल अगेन क्लिक ऑन दिस वन सो ये क्या हो जाएगा मिनिमाइज हो जाएगा. ठीक है इस टाइप से आप डिफरेंट एप्लीकेशंस के अंदर यूज़ कर सकते हैं राइट. अब सपोज मैंने कोई भी विंडो ओपन की हुई है मैंने ये ओपन किया हुआ आई हैव ओपन ऑल थ्री विंडोज तीनों एप्लीकेशंस ओपन कर दी मुझे अचानक याद आया अरे मुझे तो डेस्कटॉप पर जाना है तो मुझे वन बाय वन गया तो मैं इनको क्या करूँगी क्लोज करूँगी जैसे मैंने इसको क्या किया मिनिमाइज़ किया फिर मैं दूसरी विंडो को मिनिमाइज़ करूँगी देन अगेन मिनिमाइज़ करूँगी इट विल टेक टाइम. अब जैसे थ्री टाइम्स है थ्री टाइम्स को ओपन करना पड़ेगा और इसको सॉरी मिनिमाइज या क्लोज करना होगा वन टू थ्री. इफ़ आई वॉन्ट टू कम डायरेक्टली ऑन द डेस्कटॉप डायरेक्टली मुझे डेस्कटॉप पर आना है सो बच्चा देखिए यहाँ पर राइट में एक एरो पीक होता है. एरो पीक क्या होता है बेटा जहाँ मैंने आपको क्लोक दिखाई थी उसके साथ देखो ये छोटा सा आइकन बिल्कुल खाली स्पेस है इसको हम बोलते हैं एरो पीक. यहाँ पर क्लिक करते ही आपकी सब विंडोज क्लोज हो जाएंगी. ये देखो यहाँ पर ये आएगा कर्सर देख सकते हो दिस इज कॉल्ड शो डेस्कटॉप. आपने यहाँ पर क्लिक किया डेस्कटॉप आ गया आपके सामने अगेन आई विल क्लिक ऑन दिस वन आपकी वही विंडोज अगेन ओपन हो जाएंगी जिस पर आप वर्क कर रहे थे. सो बेटा जी दीज वर सम ऑप्शंस कि हाउ टू पिन हाउ टू ओपन ऑल द विंडोज हाउ टू मैनेज ऑल द एप्लीकेशंस अबाउट दिस वन. इन नेक्स्ट क्लास आई विल टीच यू हाउ टू चेंज द डेट एंड टाइम हाउ टू सेट द डेस्कटॉप स्क्रीन आप डेस्कटॉप की स्क्रीन को कैसे सेट कर सकते हो. सो यू विल लर्न अबाउट दिस वन. होप यू लाइक दिस वीडियो वॉच इट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी. थैंक यू.